देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे धरने प्रदर्शन, जिसके चलते अमृतसर के रेलवे स्टेशन के गेट पर कांग्रेसी वर्करों ने केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब के पूर्व डिप्टी CM OP सोनी ने बताया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, देश की GDP लगातार गिर रही है और केंद्र की मोदी सरकार अपने तानाशाही रवैये अपनाते हुए लगातार लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने राशन पर भी 5% GST लगा दिया, जिससे ये साफ जाहिर है कि अच्छे दिन लाने वाली बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे में अच्छे दिन तो क्या आने वाले हैं, लोग अपने पुराने दिन ही वापिस मांग रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आज पूरे देश भर में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, ताकि केंद्र सरकार की मोदी सरकार को नींद से जगाया जा सके। अमृतसर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट, लाइव भारत। श्रीमती सोनिया गांधी जी डायरेक्टर, राहुल गांधी जी डायरेक्टर, साढ़े पंजाब के प्रधान राजा विवेक जी, उन्होंने कहने अज सारी दिहाती शहरी अमृतसर कांग्रेस ने अज महंगाई के विरुद्ध सेंटर सरकार के विरुद्ध जोड़ा है, ये बड़ा व्डा प्रदर्शन, बड़ा व्डा धरना। साढ़े प्रधान जी बैठे ने, श्री पप्पू जी, हरप्रताप भाई नाला जी, क्योंकि दिहाती अमृतसर का यह साझा जोड़ा है वो धरना है। मैं समझना हजार की गिनती से साढ़े वर्कर अज इस धरने से आए हैं। तू सारे पता है कि जिनी महंगाई जी है सेंटर सरकार, मैं समझना मोदी जोड़े साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने, वो जिस वे अज तो 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बैठे बने सन, उस वे उन्होंने कहना सी कि लोगों वास्ते हम चंगे दिन आने। मैं समझना जिने माड़े दिन हूँ लोगों ने वेखे ने 8 साल वो इतिहास लिखा जाएगा। सो जिनी महंगाई खास करके आ जरा हूँ जोड़ा GST 5% टैक्स जोड़ा फूड है, वो चाहे आटा है, चाहे चावल है, चाहे होर किसी प्रकार का फूड है, खाण वास्ते जिन्ना भी राशन है, वो 5% GST लाता। इन्नी महंगाई, पेट्रोल लै लो, डीजल लै लो, गैस लै लो, कोई भी चीज़ तुम लै लो, मैं समझना जिनी महंगाई जी है सेंटर गौरमेंट मोदी सरकार के होंदया हुई है, किसी ने वेखी नहीं सी। सो अज सारे हिंदुस्तान च बेरोजगारी है, साड़ी जड़ी DGP की ग्रोथ है वो बहुत घट गई। साड़ी सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थी 7.5% के करीब थी हरप्रताप जी, उस वे हूँ वो 5.5-6% के करीब रह गई है। सो मैं समझना नोटबंदी भी हुई, GST भी नवा लाया, सो फिर भी जी है साड़ी GDP की जी ग्राफ है कि नीचे चल गया। सो ये देश वास्ते खतरे की घंटी है। सो मैं समझना जिनी महंगाई हो गई है, सो जिन्ना चर अभी सारे देशवासी स्टैंड नहीं लाँगे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही पहल की है। सो हूँ भी श्रीमती सोनिया गांधी साढ़े प्रधान ने, राहुल गांधी जी जिन्ह की रहनमाई सारे हिंदुस्तान धरने बुजारे किए जा रहे हैं। सो पंजाब भी राजा विडिंग जी, साढ़े बाजवा जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, इन्ह की अगुवाई खास करके साढ़े अमृतसर अज जिहड़ा यह धरना लाया जा रहा है, ये प्राइस राइज महंगाई जो लोगों का कचुंबर निकल रहा है, ये हाई कमांड का आदेश है राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, भाई धरना लाना है और मोदी सरकार के खिलाफ लाना है। और जिनी महंगाई इन्होंने साढ़े से करती है गरीबों से, मैं समझा भी इन्हों शर्म होनी चाहिए है, ये इन्नी सरकार बना के वड्डी बैठे ने, लेकिन जो हाल है लोगों का कर रहे हैं ये लोग ही जानते हैं। इन्होंने नवा जिहड़ा तोहफा दिता 5% GST जिहड़ी आटे ते लाई है, चौल ते लाई है, दाणा ते लाई है, वो समझो सीधा एक गरीब की जेब ते टाका बहुत वड्डा। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने बहुत वड्डियां होण जा रहियां ने, और आने वाले समय तुसीं देखियो सियाल आ लैंदे हो, मैं जिम्मेदारा भी करदा हां, ये जिहड़ा कणक है आटा है ये 30 रुपए किलो तक विकेगा और लोगों को आटा नहीं मिलना, और गरीबी दे विच ही लंघ रहे हैं। अज असी जिहड़ा ये धरना लाया, सोनी साहब के सरप्रस्त ने, अश्विनी पप्पू जी इत्थे बैठे ने, इन्हां दी सरप्रस्ती थले साडी राजा विडिंग जी ने ड्यूटी लाई सी दिहाती तौर पर,
और असी सारे इत्थे इकट्ठे हो के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है और असी सुनेहा देना चाहते हैं मोदी सरकार नूं भई बाज आ जाओ, ये काम ठीक नहीं तो लोग जो हाल संगरूर की इलैक्शन होया ना उस तरीके ना तुहाडा भी इत्थे होना आने वाली जी पार्लियामेंट की इलैक्शन है। धन्यवाद जी। देखो गल वेख रहे हो जे पंजा महीनों च कुछ होया हों जी संगरूर की बाई इलैक्शन हुई है ये हारते ना, सो सरकार जो आ बाई इलैक्शन हमेशा कहा जाता कि सरकार हमेशा बाई इलैक्शन जीती है, सो जी संगरूर की बाई इलैक्शन लोग सभा की हुई है वो वेख लो जो हाल होया, सो कम्मा नाल वोटां पैंदियां लोकां नूं गमराह करना वोटां। कांग्रेस की तैयारी है जी अगो कॉर्पोरेशन दे इलैक्शन भी 5 महीने जाण वाले ने, की तैयारी है? देखो कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रही है, हुण भी साडे वर्करां च बड़ा जोश है, असीं कॉर्पोरेशन दीआं इलैक्शनां बड़े जोश नाल साडे वर्कर लड़नगे, सो वर्कर बिल्कुल तैयार ने, साडी पार्टी बिल्कुल तैयार है। ठीक है जी। जुगल जी बैठे ने, हर प्रताप जी नाला साडे बड़े सीनियर कांग्रेसी लीडर ने, तो सारे जड़े साडे काउंसलर समान सारे साडे वर्कर कांग्रेस के जिन्हें भी साडे अहुदेदार समान ने इस धरने च मैं समझना अज हाजिर होए ने, मैं सारे वर्कर का खास करके वर्कर जड़े ने साडे, सो इन्हां जी जोश है, सो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जदों कोई एजीटेशन होया देश लई तो साडे अमृतसर शहर ने बढ़ चढ़ के योगदान पाया, चाहे देश की आजादी लै लो चाहे कोई होर एजुकेशन लै लो, साडे अमृतसर शहर वासियों का सब तो वड्डा योगदान रहा कांग्रेस पार्टी का, देश की आजादी तो लैके हुण तक जिन्ना कांग्रेस पार्टी का योगदान है कोई भुला नहीं सकता, सो हुण भी कांग्रेस पार्टी ने पहल की है, सो अज असीं सारे अमृतसर वाले कांग्रेसी वर्कर सारे रल के धरना मुजहरा कर रहे हैं। जदों का GST इन्हें BJP सरकार लैके आई है 1100 के करीब वर अमेंडमेंटा हो चुकी इस GST के, जदों इन्हों कोई पैसे ज़्यादा चाहिए उदों GST कोई ना कोई अमेंडमेंट कर देंगे, हूँ भी आ जी अमेंडमेंट की है 5% जी वधाई है पैट फूड से लाई है, सो मैं समझना यह भी वह हिस्सा है, सो इन्नी वर अमेंडमेंट करनी कोई छोटी गल नहीं, बहुत वड्डा भार जिहड़ा हिंदुस्तानिया ते आ GST का, मैं समझना अरबा रुपये की जिहड़ी कलैक्शन होंदी आ पर चंगे कम्मां वाले बंदे लग नहीं रही, सो देश की डिवेलपमेंट वास्ते लगनी चाहिए आ, सो ये जिहड़ी आ महंगाई घट होनी चाहिए आ, तां ही अस GST का फायदा अमेंडमेंट करन दा बार बार फायदा, सो महंगाई तो वध रही आ घटदी नहीं, सो इस करके अज जिहड़ा असीं महंगाई दे विरुद्ध जिहड़ा वो असी इतने मुजहरा किया।